गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग प्रिंस चौधरी दिस साइड। अभी सुबह सुबह जो ना ग्राउंड पर आए 5 बजे, तो इधर को बारिश होने लगा, बहुत तेज बारिश हो इधर को, जो ना सुबह सुबह इतना बढ़िया लग रहा है वैसे कि क्या बताएं। एनवायरनमेंट सुबह सुबह ये गांव का जो एरिया होता है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन, जन्नत से कम नहीं, बहुत बढ़िया लगता है। आप देखो पीछे, वैसे तो आपको दिखाए करते विलेज का कैसा क्या सीन होता है। जो है ना, इधर जब ग्राउंड पर आए तो अब थोड़ा सा रनिंग की आज कम से कम 2 किलोमीटर दौड़े, मतलब इतना ज़्यादा थकान, यू नो कि मतलब बहुत दिन बाद ऐसा कुछ रनिंग करो तो बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। जस्ट सेम, बहुत दिन बाद दौड़े, बहुत थके। एंड अब जो है ना, आप भी, मैं यही बोलूँगा कि आप भी रनिंग किया करो, क्योंकि रनिंग करने से ना बहुत कुछ ठीक रहती हैं, और एक्सरसाइज भी किया करो सुबह सुबह, मस्त होता है। 5 बजे उठ जाओ आराम से, हर दिन को एक शेड्यूल बना लो। हम भी ट्राई कर रहे हैं कुछ शेड्यूल को फॉलो करने का, शेड्यूल बना के। एंड अब देखते हैं, चलते हैं, फिलहाल बादल भी जा रहे हैं। आपसे कुछ एक चीज़ बताऊं, यहाँ का जो गांव जो होता है ना, गांव का एक अलग सीन होता है। यहाँ पर मैंने जैसा भी आपको बताया था कि द ग्रीनरी एंड ये सब कुछ, गांव में और शहर में अंतर ये है कि शहर में आप सीधा बिल्डिंग्स देखोगे और ये सब, वहाँ पे जो है ना आप बनाई हुई ग्रीनरी देखोगे, और यहाँ पर जो है आप नेचुरल चीज़ें देखोगे। इधर को जो है ना एकदम, आपको गाँव में रहते हो तो आप सुबह सुबह उठ के नेचर को देखो, वाई बहुत मज़ेदार आने वाला है, बहुत मजा आएगी। तो आप अगर जो शहर में है तो एक बार गांव को विजिट करो, मतलब मजा आएगी। इवनिंग और मॉर्निंग एकदम अलग होती है। देखते हैं, घर चलते हैं, बारिश होने लगी, बूंदे पड़ने लगी। घर तो आ गए, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, घर तो आ गए। अब जो है ना, आज का जो मौसम है क्या बताएं, मतलब आज है डेट कितनी, 9 सितंबर, इतना बढ़िया मौसम है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मौसम है आज का जो मौसम, मतलब इतना प्यारा आज क्या, मतलब इस टाइम का मौसम इतना अच्छा है। तो अभी जो है ना सोच रहे हैं कि देखते हैं कुछ कर लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ ले थोड़ा सा, और भी कुछ करना है तो वो भी कर लेते हैं, मतलब एडिटिंग भी करनी है अभी के लिए, तो एडिटिंग ये सब सारे काम निपटा के देखते हैं, आपसे मिलते हैं। ये मेरा भाई स्कूल जा रहा है, चलो देखते हैं सारे काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, देखते हैं। पहले तो ब्रेकफास्ट जो भी सिस्टम है, मतलब टूथपेस्ट कर ले, ये सारे जो काम होते हैं सुबह के सारे निपटा लेते हैं, फिर जो है ना मिलते हैं, और ऑफिस भी जाना है, देखते हैं। ओके, अभी मिलते हैं। और तारीख हो गई, मेरे स्टूडियो में जो है ना आज भी चल रहा है हैप्पी रक्षाबंधन, तो आपको हैप्पी रक्षाबंधन। रेडी तो हो गए, अब जा रहे ऑफिस फिलहाल। ठीक, इधर आ गए, अब जा रहे हैं ऑफिस दद्दा के साथ। दद्दा भाई ने आज लेट करा दिया है पूरे पूरे 3 मिनट। 3 मिनट वो भी नींबू पीने लगे थे ना भाई, लेट हो गया आज। कहते पहुँच गए, अब हम लोग बस जा रहे हैं, देखते हैं कि जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। और मौसम वैसे भी आज यू नो कि बहुत अच्छा है, तो आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ के जो रास्ते में पड़ते हैं बहुत अच्छे से व्यूज। फिलहाल आप रेडी हो जाओ। इधर का मौसम जो है ना इस टाइम देखो, बैकवर्ड में एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है, एकदम मस्त, जैसे मतलब कि इस मौसम में सुमित भैया चाय में खाई जाए, समय जो है ना मतलब पार्क में घूमने में ज़्यादा मजा आई। देखो पीछे, ये आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब धान है यानी पैडी। तो आप देखो बहुत अच्छे अच्छे से फील्ड्स हैं, ऊपर के क्लाउड्स तो आप देख ही सकते हैं, क्लाउड्स एक अलग ही है, अब लगता है बारिश होगी, बारिश का माहौल। ये है, बूंदे भी पड़ने लगी।
सेंटर को जो हम लोग अब जा रहे हैं, बारिश भी हो रही है, बारिश में जस्ट हम लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो है ना मौसम मतलब बारिश कम होती ज़्यादा होती, मतलब रुके ना रुके उसमें कोई वही नहीं है। भैया इधर बारिश में हम लोग रुक गए पुल के नीचे, भैया भीग गए। ये देखो बिल्कुल सूखे सूखे खड़े। बारिश कम हुआ तो हम लोग अब निकल लिए फिर से अपनी राह पर। इधर ऑफिस तो पहुंच गए, अब जो है ना देखते हैं इधर का मीटिंग चल रहा है आपको दिखाते हैं, और जो है ना आप ही देखते हैं सारा काम इधर का कर लेते, थोड़ी सा लर्निंग बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है वैसे। इधर का देखते हैं सारा मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और सारे काम करके देखेंगे जल्दी से जल्दी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बारिश का मौसम इतना अच्छा था कि आई डिड नॉट एक्सप्लेन माय वर्ड्स रियली, आई नेवर, मैं नहीं कर सकता एक्सप्लेन, इतना अच्छा लगा मुझे। फिलहाल देखते हैं ऑफिस का पूरा काम कर ले अपना, थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। ऑफिस में अंदर बोर हो रहे तो भाई हम सोचे कि चलो क्यों ना ऊपर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ का यू नो कि इवनिंग में कितना बढ़िया लगता है। इवनिंग में मतलब ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है, मैं घर पे भी रहता हूँ तो उधर इन मतलब फील्ड की तरफ जाता हूँ, खेतों की तरफ, बागों की तरफ, लेकिन इधर को जो है अब आगे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ऐसा लग। सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ मैं आपको, मतलब ये लखनऊ का बहुत ऊपर है तो ना मेट्रो बिल्कुल पास से ही दिखता है। मेट्रो दिखाते हैं आपको, बहुत मेट्रो आ रहा है तो मेट्रो दिखाते हैं ऐसा। तो यहाँ से जो है ना मेट्रो का बहुत ही पास से हम लोग ऑफिस से नज़ारा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से फीलिंग्स बहुत तगड़ी आती हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो फिलहाल अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे इवनिंग के एंगल यहाँ का दिखाने का आपको, चलो ऊपर से नीचे दिखाते हैं कैसा लगता है। हाँ जो है ना मतलब सब चीज़ें देखा, मतलब एनवायरनमेंट का मज़ा लिया, अब जो है ना सोच नीचे चलते हैं और जो है अब घर के लिए भी निकले क्योंकि 6 बज गए हैं, काफ़ी लेट, 1-1.5 घंटा तो जाने में लगता है, यू नो कि आज तो बज ही जाएंगे घर, तो फिलहाल देखते हैं चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? मैं अभिषेक मैनेजर सर।
इसका सेरेमनी हो रही है, फोर्थ ईयर सेरेमनी, एंड काफ़ी बड़ा एक्साइटमेंट है। फर्स्ट टाइम मैंने सेरेमनी ज्वाइन किया, वैसे अभी तो एक ही महीना हुआ। मेरा ऑफिस का समय आ गया, देखिए मेरे इसके दोस्त सर एंड ये अपने दोस्त सुलेमान भाई। भाई लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, मेरी गाइस सब अच्छे हैं। सेरेमनी तो हो गया, काफी अच्छा लगा सुलेमान भाई, काफी मजा आ रहा है इधर को। तो इधर को 8:30 बज गया, वैसे देखते हैं अभी, सोचते हैं चलने का। हम लोगों ने काफी फोर्थ एनिवर्सरी मनाई, काफी मजा आया। और सुलेमान भाई अब जो है ना, हम लोग यहाँ से चलते हैं, फिलहाल 8:30 बज गए, देखते हैं कैसे जाते हैं, फिलहाल टाइम तो काफी ज्यादा लगेगा। Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss. बंत्रा में रुक गए दद्दा के साथ, तो क्योंकि ये दद्दा के साथ आए थे वहाँ ऑफिस से, तो फिर उसके बाद दद्दा को कुछ सामान लेना था, भैया इसे सामान ले रहे हैं, तो हम लोग सामान ले चुके हैं, बस 2-3 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद चलते घर। I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things.
घर तो आ गए और डिनर भी कर लिया। और मैं आपको बताऊँ ना, आज का दिन तो आपने देखा कि कैसा रहा। आई होप आपको दिन अच्छा लगा। आज हमारे ऑफिस का सेरेमनी था, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे, क्योंकि बड़ा बिजनेस के आज ऑफिस के 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल स्टार्ट। एंड मैं आपको बताऊँ ना, आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, जो भी रहिए, जो भी भगवान ने आपको दिया, कंफर्टेबल रहिए उसमें। मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा क्या, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और अब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ बेटर करने का, बस सोच रहे हैं कुछ हो जाए ऐसे ही कुछ। तो फिलहाल आप जो है ना, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। बहुत थक गए आज वैसे। चलो बाय बाय, गुड नाइट।